नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में पुलिस ने बहादुरी का परिचय देते हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल मां बेटी को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के लगाए गए बम में गांव की एक महिला और उसकी बेटी बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस ने नक्सल इलाके में जाकर महिला और उसकी बेटी को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया। ये खबर आपको बताएगी कि पुलिस देवदूत बनकर भी समाज की रक्षा करने और जान बचाने का काम करती है। घटना घोर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले से 60 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित तेलम गांव की है, जहां नक्सलवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी बम की चपेट में उसी गांव की मां बेटी आ गई। इस विस्फोट में मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें उसकी दोनों आंखें चली गई, तो वहीं बेटी के भी हाथ पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इलाके में हुई इस घटना की जानकारी रात को पुलिस तक पहुंची, लेकिन नक्सल इलाकों में रात को पुलिस और फोर्स के जाने पर मना ही है। खतरों की परवाह ना करते हुए एसपी डॉक्टर पल्लव ने घायल ग्रामीण महिला की जान बचाना जरूरी समझा और रात को ही महिला को हॉस्पिटल लाकर उसकी जान भी बचा ली। पुलिस का यह निर्णय उनके खुद के लिए काल बन सकता था, मगर मानवता की बड़ी मिसाल पेश करते हुए पुलिस ने महिला और बेटी की जान बचाई। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।